डॉक्टर साहब, हमारा आज का सवाल ये है कि वो कौन से लोग या वो कौन से मरीज़ हैं जिन्हें आप अंडा खाने से मना करते हैं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि मेडिकल साइंस की रोशनी में एक नॉर्मल इंसान रोज़ाना कितने अंडे खा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा एक होल फूड है, ये तो नहीं कह सकते कोई यूज़ ना करें, हेल्दी फूड है। लेकिन वो कौन से लोग हैं जो इसको नहीं यूज़ कर सकते, हमें अंडे की कंपोजिशन को देखना होगा कि अंडे में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। एग जो है ये कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, तो वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल सेंसिटिव हों या वो अमराज जिसमें कोलेस्ट्रॉल नेगेटिव असर डालता है, उसमें डायबिटीज़ शामिल हैं, उसमें हार्ट की बीमारियां, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ शामिल हैं। एग के बारे में ये भी मशहूर हैं कि जो लोग अंडे ज़्यादा खाते हैं उनकी मौत पहले वाक़ हो जाती है, अर्ली मौत, अर्ली डेथ जिसको कह सकते हैं। वो लोग जो अंडों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बग़ैर किसी वजह के करते हैं, शौकिया करते हैं, उनको भी इस पर सोचना चाहिए कि साइंटिफिक रिसर्च ये कह रही है न्यूट्रिशन में कि जो लोग ज़्यादा मकदार में अंडों का इस्तेमाल करते हैं वो जवानी में यानी प्री मेच्योर डेथ का शिकार होते हैं। वो तमाम बीमारियाँ जो लिपिड या कोलेस्ट्रॉल की वजह से हैं उसको यूज़ ना करें। मिसाल के तौर पर आपसे मैं कहूँगा फैटी लिवर डिजीज़ हैं, अब कई बीमारियाँ हैं, आप उसको अगर कोलेस्ट्रॉल से लिंक करेंगे, फैटी लिवर में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है यानी फैट्स की वजह से लिवर इन्फ्लेमेशन है, वो लोग तो बिल्कुल यूज़ ना करें, उसके लिए अंडा सही नहीं है। लेकिन उनको प्रोटीन की अगर ज़रूरत है तो कोई और तरीका या कोई और उसका इस्तेमाल करें। नॉर्मल लोग जिस तरीके से अपने उसके मुताबिक यूज़ करें, जो अगर मिसाल कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल है, आपको लिपिड से या फैट से कोई मसला नहीं होता, तो आप इसको इस्तेमाल करें। अंडे के मेम्ब्रेन में कोलेजन प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, उसको अगर आप जमा करें और कैप्सूल में यूज़ करें या इसको किसी तरीके से, तो वो जोड़ों के दर्द में बहुत कारामद है। और अगर इससे कोई क्रीम या सीरम बना दें और चेहरे पे लगाएं तो ये आपके रिंकल्स को भी दूर करता है, क्योंकि इसमें कोलेजन प्रोटीन है और ये आपके स्किन को स्मूथ बनाता है। ये तो मैं कह सकता हूँ। इसका जो छिलका है बेस्ट सोर्स, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एक अच्छा ज़रिया है और बहुत अच्छे क्वालिटी का कैल्शियम मिलता है, तो इसको भी अगर आप साफ़ करके इसका पाउडर बना दें तो इसको आप कैल्शियम सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और किस्म के लोग पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है और कुछ लोग जो प्रोटीन जो है वो एक एलर्जी कास करती है, आप टेस्ट करने से पता कर सकते हैं। अगर अंडे से आपके जिस्म में इरिटेशन, खारिश, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन वगैरह आता है तो आप बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि यू आर एलर्जिक टू एग प्रोटीन। जहाँ तक अंडे की मकदार का ताल्लुक है तो ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक शख्स मतलब एक आदमी को ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, दूसरे को कम ज़रूरत हो सकती है, लेकिन एक हेल्दी पर्सन जो है कम से कम दिन में 3 अंडे खा सकता है। उसको उसके लिए कोई मतलब साइंस जो कह रही है उसके मुताबिक कोई मसला नहीं पैदा करेगा ये। लेकिन इसमें ये बात फिर भी जहन में रखें, कोलेस्ट्रॉल को चेक ज़रूर करें बिफोर यू टेकिंग एग। 1 से 3 तक आप एग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके बॉडी साइज़ पे डिपेंड करता है, ये आपके हेल्थ पे डिपेंड करता है, लेकिन 1 से 3 अंडे पर डे इस्तेमाल करने से एक हेल्दी पर्सन में कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देखे गए।